जो बंदा सहाबा को ना माने क्या वो इस्लाम से खारिज है? अगर अगर के बाद छोड़ ही दिए उन्होंने, पता नहीं क्या लिखना चाह रहे थे। अल्लाह रसूल आखिरत कुरान खत्म नबूवत को मानना इस्लाम है, बाकी सहाबा कराम के हवाले से उनको मानना ना मानना इसका ईमान और इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं इस हवाले से कि वो कोई कंपल्सरी है। लेकिन इस हवाले से तो हर अहले ईमान की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, जिसे हम मुसलमान समझते हैं हम उसकी तकफीर नहीं कर सकते। तो अगर कोई शख्स इल्मी दलाइल की बुनियाद के ऊपर किसी को मामलात क्लियर नहीं है तो वो उसे अपने मामलात क्लियर करने चाहिए, बजाय इसके कि किसी अहले ईमान की वो तकफीर करे। साहबा को गाली देना, इसके ऊपर मेरी आप वीडियो देख लें, और एक और वीडियो है शिर्क वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ना, उसमें मैंने तफसील के साथ इन टॉपिक्स को एड्रेस किया है। जो साहबी को साहबी मानते हुए काफिर कहेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और जो किसी साहबी को साहबी ही नहीं मानता, उसने अपने इल्म से यह समझा कि यह साहबी नहीं था, वो इस्लाम से खारिज नहीं होगा। अलबत्ता अगर वो हमारे नजदीक साहबी है तो हम उसको कायल करेंगे, अगर वो कायल होता है तो ठीक, नहीं होता तो उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द। भाई मौला अली को खवारिज ने काफिर कहा, लेकिन मौला अली ने कभी नहीं कहा कि खारजी काफिर है। जब उनसे पूछा गया अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कि बताएं ये आपके जो मुखालफीन है काफिर हैं, कहा ये कुफर से तो भागे हैं, इन्हें ये गुमान हुआ कि मैं काफिर हूं, मुझे भी छोड़ के। इतनी नफरत है, ये मौला अली का जिगरा देखें, मुखालफीन की खुद वकालत कर रहे हैं कि अगर ये काफिर होते तो मुझसे इस बुनियाद पर तो नफरत ना ना करते कि अली काफिर हो गया है, अपने जोम में उन्होंने समझा और मुझे छोड़ गए। तो ये तो दलील है ये कुफर से नफरत करते हैं। पूछा क्या मुनाफिक है, कहा मुनाफिक भी नहीं है, कुरान में आया मुनाफिक बहुत थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये तो बड़ी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। तो अगर कोई काफिर और मुनाफिक ना हो तो तीसरा फिर मुसलमान ही होता है, हाँ चौथी कोई कैटेगरी नहीं होती। कहा यह हमारी एक कौम है जिसने हम पर बगावत की है, यानी हमारे भाई थे भगोड़े हो गए,